स्वच्छता पखवाड़ा भाजपा कार्यक्रम पूरे देश भर में बड़े जोरों से चला। गांव, गली, मोहल्ला, शहर, तमाम महानगरों में स्वच्छता अभियान को लेकर जो मुहिम भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा चलाई गई थी वह काफी कारगर साबित हो गया। गांधी जी का स्वच्छ भारत मिशन अब इस देश में साकार होते दिखाई दे रहा है। इसे लेकर भाजपा नेता अशोक बजाज का कहना है कि मोदी जी के नेतृत्व में आज देश का नागरिक आसपास कूड़ा करकट भी देखता है तो उसे वह खुद ही साफ कर देता है। इस 10 सालों में यह बदलाव आया है। स्वच्छता अभियान कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पदभार ग्रहण किया मोदी जी ने, तो उन्होंने स्वच्छता अभियान को प्रमुखता दी। अपने पहले ही संबोधन में उन्होंने कहा कि हर नगर गांव सब स्वच्छ होना चाहिए। स्वच्छता अभियान के 10 साल पूरे हो गए हैं और इन 10 वर्षों में हमने देखा कि आज अगर गांव में, शहर में, गलियों में, चौबारों में साफ सफाई कहीं दिखती है तो उसका एक कारण यह है कि अब लोगों में स्वच्छता अभियान, स्वच्छता के प्रति जागरूकता आई है। पहले लोग कहीं भी कूड़ा करकट फेंक देते थे, लेकिन अब 10 बार सोचते हैं कि कूड़ा करकट कहाँ फेंकें। तो ये जो स्वभाव और नई संस्कृति विकसित हुए देश में स्वच्छता के प्रति जो लोगों का रुझान आया है और जो जागरूकता आई है, इसके कारण स्वस्थ भारत निर्माण में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि स्वच्छता अभियान से न केवल लोग स्वस्थ होंगे बल्कि हमारे वातावरण जो है आसपास का स्वस्थ दिखेगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्कूली बच्चे भी अब कोई चॉकलेट वगैरह खाते हैं तो उसके रैपर को फेंकते नहीं, कहीं जेब में डालने का प्रयास करते हैं। सभी बच्चे नहीं करते होंगे, लेकिन इन 10 वर्षों में एक नई संस्कृति विकसित हुई और लोगों का स्वभाव धीरे धीरे बन रहा है। और जो बच्चे रैपर फेंक देते हैं उनके प्रति अलग भावना बाकी बच्चों के मन में पैदा हो रही है। तो स्वच्छता अभियान ने पिछले 10 वर्षों में अब एक जन आंदोलन का रूप ले लिया है और जन जन का एक स्वभाव बन गया है, जन जन का एक नारा बन गया है और सब लोग इसे अपना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के न्याय यात्रा को लेकर अशोक बजाज का कहना है कि कौन कहता है कि उनकी यात्रा सफल रही, वह यात्रा असफल थी। केवल झूठ और बेबुनियाद बयानों के आधार पर यात्रा निकाली गई। उनके खुद के नेता इस यात्रा में शामिल नहीं हुए, वह किस मुख से बात करते हैं। आपराधिक गतिविधियों की बात करें तो कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि पिछले 5 साल उनके कार्यकाल में अपराध की स्थिति क्या थी। छत्तीसगढ़ शांति का टापू था और उस समय जब सरकार कांग्रेस चली गई तो साय सरकार इसे संवारने का कार्य कर रही है। कांग्रेस के नेताओं में आपसी फूट और दरारें बन रही है। उनकी नीति और उनके नियम कुछ समझ नहीं आते। कांग्रेस पार्टी प्रदेश में समाप्त हो चुकी है, वह अपने अस्तित्व बचाने को ढूंढ रही है। कौन कहता है न्याय यात्रा सफल हुई? जनता ने इनकी न्याय यात्रा को अस्वीकार कर दिया। इनको न्याय यात्रा निकालने की जरूरत ही क्यों पड़ी है? क्योंकि अब न्याय का शासन चल रहा है, अन्याय का दौर समाप्त हो चुका है। इन्होंने 5 साल में जनता के साथ बहुत अन्याय किया, किसानों के साथ अन्याय किया, छात्रों के साथ अन्याय किया, कर्मचारियों के साथ अन्याय किया। प्रधानमंत्री आवास योजना लागू नहीं होने दी, उनके जो गरीब हितग्राही हैं उनके साथ इन्होंने अन्याय किया। कई लोग यहाँ पर बेरोजगार लोग स्वयं हाउस में अग्नि इशान करने के लिए बाध्य हुए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अन्याय का दौर उस समय था, अब न्याय का दौर है और इस प्रकार से आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन छत्तीसगढ़ में है, इसलिए कांग्रेस को अब कोई मुद्दा नहीं मिलने वाला है। अब ये जो आंदोलन हुआ है वास्तव में दीपक बैज जी को ही खुद अपनी पार्टी से न्याय नहीं मिलता है। देखिए वो तो भारतीय जनता पार्टी के
खिलाफ बोलेंगे ही कि विपक्षी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनका ये विरोध करना स्वाभाविक बात है, लेकिन अनर्गल आरोप ना लगाएं, लोगों को गुमराह करने वाली बात ना करें। जनता संतुष्ट है, मातारी वंदन मिल रहा है, लोगों को 3100 रुपए के हिसाब से धान का कीमत मिल रहा है, 2121 क्विंटल धान की खरीदी हो रही है प्रति एकड़, और कुल मिलाकर लोग अब राहत महसूस कर रहे हैं। इनके राज में तो किस ढंग से शराब बटते थे, शराब बिकते थे गांव-गांव में, इसको भी लोगों ने अनुभव किया है। इन्होंने जो 5 साल तक व्यवस्था बिगाड़ी है, उस व्यवस्था को सुधारने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना, लेकिन 5 साल जो इन्होंने शासन करके छत्तीसगढ़ को 25 साल पीछे ढकेल दिया है, इसलिए ज्यादा हमको मेहनत करनी पड़ रही है। इनके राज में तो कितने अपराध हुए शहर में, इसका आप अंदाज लगाइए, पुराना इतिहास खोलिए। इनके राज में तो हम लोग बार बार ये बात बोलते रहे कि सरेआम चाकूबाजी हो रही है, कांग्रेस के राज में लूट, चैन छीनने की घटना, हत्या और न जाने कितने प्रकार के अपराध हो रहे थे। इन्होंने जो व्यवस्थाएं बिगाड़ी हैं, उस व्यवस्था को सुधारने के लिए विष्णुदेव सरकार पूरा भरसक प्रयास कर रही है और निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी। छत्तीसगढ़ शांति का टापू है और उसको टापू बनाए रखने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा मेहनत करेगी और पूरे नियत के साथ ये काम करेगी। देखिए रायपुर से राघवेंद्र पांडे की रिपोर्ट।